नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक खत्म हो रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने बताया कि 14 दिन तक रेड जोन में कोई राहत नहीं दी जाएंगी, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में थोड़ी रियायत दी जा सकेगी। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। हर जिले में मौजूद कोरोना संक्रमितों की लिस्ट के आधार पर उसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में रखा गया है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से पिछले बार की तुलना में रेड जोन की संख्या 11 से बढ़कर 14 तक पहुंच गई है। वहीं ग्रीन जोन की संख्या 9 से लेकर 6 तक पहुंच गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जिले हैं जो रेड जोन में थे, मगर कोरोना की संख्या में कमी देखते हुए उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मामले की संख्या, डबलिंग रेट और परीक्षणों के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की है, जिसमें बताया गया है कि कौन सा जिला कौन से जोन में आता है और वहां किस तरह की सख्ती बरती जाएंगी। आपको बता दें कि रेड जोन में मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, नासिक, पुणे, सोलापुर, जलगांव, यवतमाल, सतारा, धुले, अकोला, औरंगाबाद और नागपुर शामिल है। वहीं ऑरेंज जोन में रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली, बीड, अहमदनगर, कोल्हापुर, नंदुरबार जैसे क्षेत्र शामिल है और ग्रीन जोन में उस्मानाबाद, वासिम, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, गढ़चिरौली और वारदा जैसे क्षेत्र शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की वजह से देश में मरने वाले लोगों की संख्या 1219 हो गई है। पिछले एक दिन में 65 संक्रमित मरीजों ने अपना दम तोड़ा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राज्य में मरने वालों की संख्या अब 485 हो गई है। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।